नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन से मुलाकात करी है। ये शिष्टाचार भेंट थी। इस मौके पर भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ है। उत्तर प्रदेश में जर्मन राजदूत का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 से ज्यादा वर्षों के व्यापारिक इतिहास के साथ भारत और जर्मनी आर्थिक सहयोग के समान अतीत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दोनों देशों के बीच में पारस्परिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। WFI का काम देखने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। आपको बता दें, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। WFI के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं कर रहे हैं। मैरीकॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट कमेटी बना दी गई है, जिसमें योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंडे, राजगोपालन, राधा श्रीमन कमेटी के सदस्य हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी है, कुश्ती संघ का काम देखने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। हालांकि पहले से ही ब्रजभूषण काम नहीं कर रहे थे, उनके तमाम ताकतों को सीज कर दिया गया था, यानी कि वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। अपनी शक्तियों का प्रयोग या दुरुपयोग, दोनों में से जो भी कहिए, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उनको। कमेटी का गठन हुआ है, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन, जिसके साक्ष्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। WFI के अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके अवज में कौन काम करेगा? 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी, वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी, हम बनाएंगे। आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि ओवरसाइट कमेटी, मैरीकॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है, उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। इनके साथ योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट रहे हैं, वो उनके साथ कमेटी में होंगे। तृप्ति मुरगुंडे जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो इसकी सदस्य होंगे। पूर्व CEO टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी बोस के सदस्य होंगे। राधा श्रीमन पूर्व ED टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है, जो मैरीकॉम जी के नेतृत्व में बनेगी, और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। स्पर्श जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? बड़ा अपडेट है ये, अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं, उनके बिहाव पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है, और ये कमेटी इसके अलावा क्या कुछ करेगी? देखिए, जो कमेटी बनाई गई है, ओवरसाइट कमेटी है, 5 सदस्यीय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन जो है MC मैरीकॉम, उनकी अध्यक्षता में कमेटी जो है बनाई गई है। और जिस तरीके से हम लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि ये कमेटी जो है अब WFI का कामकाज जो है संभालती हुई नजर आएगी, और उस ब्रजभूषण शरण जो है एक तरीके से जो है जो डे टू डे काम होते हैं वो नहीं संभालते हुए नजर आएंगे। अब ये कमेटी जो है जो एलिगेशन लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो अब पत्र जारी हुआ है उसमें कई प्रकार के एलिगेशन है, ना केवल सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की जाए जो कि प्रेसिडेंट, ऑफिशियल और कुछ कोच के खिलाफ लगाए गए, बल्कि उसके साथ साथ जो फेडरेशन का कामकाज है उसको लेकर सवाली निशान उठते हुए नजर आए हैं, और जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है उसको लेकर भी सवाली निशान जो है इन खिलाड़ियों की तरफ से उठाए गए हैं। इस पत्र में ये लिखा गया, ऐसे में ये कमेटी जो है वो जो खिलाड़ी थे जो आरोप लगातार लगाते हुए नजर आ रहे थे, जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उनसे संपर्क जो है साधती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। अगर बात की जाए तो 1 महीने के अंदर जो है इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है खेल मंत्रालय को जो है वापस देनी है। तो खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे थे, जो कह रहे थे कि हमारे पास तमाम साक्ष्य मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है,
वो क्या इस कमेटी के सामने जाते हुए नजर आएंगे महत्वपूर्ण रहेगा, और कमेटी के सामने जाएंगे भी तो क्या उनके पास उस तरीके के साक्ष्य सबूत जो है मौजूद है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण जो है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, जो आरोप लगाए गए हैं उन पर उनका क्या कहना है वो जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल जो ओवरसाइट कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है, खिलाड़ी जो चाह रहे थे कि एक तरीके से साइडलाइन जो है ब्रिजभूषण शरण को जो है किया जाए वो भी जो है कर दिया गया है, लेकिन अब एक महीने का इंतजार करना होगा कि ये कमेटी जो है किस तरीके से अपनी रिपोर्ट जो है बनाती हुई नजर आती है और क्या कुछ उस रिपोर्ट में जो है निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। बिहार के आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था तो बीजेपी पहले आक्रामक हुई फिर ठंडी पड़ गई, शांत पड़ गई। अब समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी झोंके में आ गए हैं, बयान दे डाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए दलित विरोधी बताया। सपा ने इस बयान से पिंड छुड़ाने के बजाय फिलहाल खामोशी इख्तियार की हुई है, तो वहीं पिछड़ी और दलित समाज की प्रतिक्रिया को देखना भी इस दौरान दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी इसे समाज स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पार्टी को लग रहा है कि इस बयान के दो पहलू हैं, एक इसका धार्मिक पहलू है और दूसरा सामाजिक पहलू है। सपा के अंदर दोनों पहलुओं पर विचार चल रहा है, पार्टी का मानना है कि ऐसे बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो वहीं सपा का अंबेडकरवादी एक धड़ा है, उसका मानना है कि इस बहाने अगर दलितों महिलाओं और पिछड़ों के बारे में इस धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा गया है तो उसको बहस का हिस्सा बनने दिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने रामचरितमानस को महान धर्म ग्रंथ बताते हुए इसकी सामाजिक उपयोगिता को बताया है। मनोज पांडे इसलिए इस मुद्दे को बोलने के लिए सामने आए क्योंकि उनकी और स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी अदावत ऊंचाहार सीट पर किसी से छुपी नहीं हुई है। मनोज पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा हैं। पार्टी में अंबेडकरवादी नेता के तौर पर सबसे मुखर माने जाते हैं, लेकिन मुखरता ने घेर दिया है। जैसे देखिए रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन रामचरित मानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार शूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए रामचरित स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के संबंध में जो बयान दिया है यह उनका निजी बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। राजनेताओं को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और जो जनता के मुद्दे हैं इन पर बोलना चाहिए और धार्मिक पुस्तक के बारे में उनको बोलने से बचना चाहिए। जिस दोहे के बारे में मौर्य जी ने कहा है उसमें तारना का अर्थ परखना और पहचानना है, अज्ञानतावश उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। टिप्पणी करने से पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर इस तरह का बयान कोई बिचकता आदमी ही दे सकता है। और ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवर यात्रा हो, कांवर यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। आपने देखा होगा हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए। तो यहाँ पर वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ धर्मावलंबियों की आपको बातचीत सुनाएंगे कि उनका आखिरकार इस बयान को लेकर के क्या कुछ सोचना है। आधुनिक शिक्षा व प्राचीन भारतीय संस्कारों का अद्भुत संगम स्थल गुरुकुल तक्षशिला, इंडोर तथा आउटडोर खेलों की बेहतरीन व्यवस्था। गुरुकुल तक्षशिला का आदर्श शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार। लड़कों का संपूर्ण आवासीय CBSE से मान्यता प्राप्त संस्थान, जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री, सैनिक स्कूल, NDA, नीट तथा IIT की तैयारी स्कूली स्तर, अनुभवी व योग्य शिक्षकों द्वारा करवाई जाती है। गुरुकुल तक्षशिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमांगी सखी जुड़ी है हमारे साथ में, निर्मोही अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं आप, और साथ में हंसानंद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जिस तरीके से ये बयान देखने को मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य का, इसको लेकर के आप क्या सोचती है हिमांगी सखी जी? मैं यही कहूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो के रामचरितमानस के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणी की है और जो अर्थ बताए हैं वो सबसे गलत अर्थ बताए, वो अर्थ नहीं है, ये इनके दिमाग का कंटामिनेशन है, जो गंदगी है वो उन्होंने व्यक्त किया है अपना, और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रामचरित्र मानस के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करे तो हजार नहीं करोड़ों बार सोच के उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी। इन्होंने लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों सनातन धर्म और धर्माचार्यों के ऊपर आघात किया है, धर्माचार्यों के ऊपर आघात किया है, ये आपका कहना है। हंसानंद जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, उनका क्या कुछ सोचना है? हंसानंद जी देखिए, समाजवादी पार्टी अब इस पूरे पहलू को लेकर के दो एंगल पर खेल रही है। पहला तो वो कह रहे हैं निजी बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, और दूसरा वो एक सामाजिक पहलू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे बयान को कि अगर भुनाया जा सकता है तो क्यों ना भुना लिया जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, अपराधों पे नहीं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है, जो हमारे व्यवहार को, जो हमारी व्यवहार में कुशलता लाता है, और टोटल अगर देख के चलें सामाजिक परिवेश में, आधुनिक परिवेश में, भौतिक संसार में, ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये इंसान की आस्था का केंद्र है, हमारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये हमें जीना सिखाता है, हमें व्यवहार सिखाता है, हमें राजनीति सिखाता है कि राजनीति का क्या चरण होना चाहिए, जो राजनीति का काफ़ी गलत शब्द तो लोग बात मानते हैं।
तो आप सीखिए, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, जो रामचरितमानस साक्षात ब्रह्म हैं, ये भगवान के कंठ से निकला हुआ है। गौरी जी ने शंकर जी से पूछा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जो साक्षात भगवान शंकर के कंठ से निकले हुए शब्द हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस कोई पढ़ने की वस्तु नहीं है, कोई पढ़ने की किताब नहीं है, इसको अनुभव करने की, इस पर प्रैक्टिकल करने का समय है। आप इसको अपने आचरण में लाइए। राम जी को मानने से केवल काम नहीं चलेगा, राम जी की मानना पड़ेगी। बिल्कुल, रामचरितमानस को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर सपा अपना स्टैंड क्लियर रखती है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो क्या संत समाज उनका विरोध करेगा? जी हाँ, क्यों नहीं विरोध करेगा? अगर सपा अगर इनका साथ देती है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस बयान के ऊपर, तो हम सब इनका विरोध करेंगे। संत समाज पूरा सपा का विरोध करेगा अगर इनका सहयोग किया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अधर्मी व्यक्ति है, धर्म का राह नहीं उन्हें पता है, क्योंकि रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और जीवन पे कैसे चलना चाहिए, अपने चरित्र अपने कैरेक्टर को कैसे रखना चाहिए, ये रामचरितमानस शिक्षा देता है। हंसानंद जी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य क्षमा मांगते हैं तो क्या सनातनी उनको माफ करने को तैयार हैं क्या? क्योंकि हमारा हृदय तो बहुत विशाल होता है। माफी हाँ, इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा रामचरितमानस के ऊपर अगर टिप्पणी कर दी, हमारे आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, डायरेक्ट रामचरितमानस का वर्णन कर डाला और उसका जी को निकाल डाला रामचरितमानस का। किया जाता तो क्षमा किस बात का? अपराध को नहीं। आप ये देखिए, व्यक्ति को क्षमा नहीं जी, हाथों से और जूतों से इनको बराबर सीधा कर देना चाहिए। जो जीवन में कभी ऐसे जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक ऐसा ही आगरा में भी देखने को मिला है। मैं तस्वीरें कहूंगी हमारे साथियों को, वो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाएंगी किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली गई है और उस अर्थी का विसर्जन भी किया गया है, यमुना नदी में विसर्जन किया गया है। तस्वीरें जिस समय हम बोल रहे हैं ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, आगरा की तस्वीरें हैं। आगरा में जो तमाम लोग हैं, ठीक जैसा कि हिमांगी सखी इस बात का जिक्र कर रही हैं, महामंडलेश्वर है निर्मोही अखाड़ा की, और वैसा ही आक्रोश अब लोगों में हिंदू समाज में देखने को मिल रहा है इस बयान के बाद। क्या सपा इस बयान से अब डील कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठ खड़ा हुआ है। हिमांगी सखी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, हंसानंद जी भी जुड़े हुए हैं। हंसानंद जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, देखिए जब भी सनातनियों का जिक्र होता है हमारा हृदय बहुत विशाल है, हम क्षमा कर देते हैं, और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपने इस बयान पर माफी मांगते हैं, आपने हालांकि बोला है कि अपराध माफ नहीं होता है, गलतियां माफ कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या सपा की स्वीकार्यता उतने ही स्तर पे 2024 और आगामी चुनावों में देखने को मिलेगी या इंपैक्ट आएगा? अगर ये देखा जाए तो अगर वो जो क्षमा वो जो मांगते हैं वो किस प्रकार से मांगते हैं, एक शरीर से क्षमा मांगते हैं, मानसिक क्षमा मांगते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अगर ये गलती आगे होती है तो फिर उसके लिए फिर क्या प्रावधान है, और फिर ये है कि ये आगे सपा इसको सुधारेगी कि नहीं सुधारेगी। तो आए दिन राजनेताओं को ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो उनको कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमारी राजनीति में। धर्म ग्रंथ एक अलग पार्ट है, आपको राजनीति करना है मुद्दों पे करना चाहिए, बेरोजगारी पे करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहिए, अस्पतालों को लेके करना चाहिए, गरीबी को लेके करना चाहिए। ये कौन सा विषय है कि हम धर्म ग्रंथों पर राजनीति कर रहे हैं? अगर यही राजनीति आप बाइबल पे करके देखिए थोड़ा, यही राजनीति आप कुरान पे करके देखिए, तो इनको जितना समय लगा है उससे पहले इनको जो भी मिलना होता मिल जाता।
आप राजनीति उनको भी करके देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ इतने कमजोर नहीं है, हमारा हिंदू इतना कमजोर नहीं है। हिंदू बस क्या है कि एक मानवता भरी होती है हिंदू में, तो हिंदू क्षमा करता जाता है, लेकिन एक समय आता है कि जो धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ करता है उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करता है तो इसको तो क्षमा नहीं करना। हिमांगी जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य क्षमा मांग लेते हैं तो आगे स्टैंड क्या होगा। दूसरी बात ये भी, आपको क्या ये लगता है कि आगामी चुनावों में सपा का जो रिजल्ट आएगा उस पर इसका इम्पैक्ट नजर आने वाला है? बहुत बड़ा नजर आएगा इम्पैक्ट सपा के इलेक्शंस के ऊपर आने वाले टाइम पे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे और आप पे टिप्पणी नहीं की है, डायरेक्ट उन्होंने रामचरितमानस की बात की है उन्होंने, और ये क्षमा योग्य है ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हो या भागवत जैसा ग्रंथ हो, ये बार बार इसके ऊपर टारगेट किया जाता है, इसीलिए ये इस वक्त क्षमा योग्य जरा भी नहीं है। और इस चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, जुड़ने के लिए। आपने देखा सुना और समझा कि किस तरीके से जिक्र इस बात का किया जा रहा है कि सियासत और धर्म की दूरी बहुत जरूरी है, सियासत में धर्म को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेडब्ल्यू मैरियट पहुंचे, जहां पर वो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की तरफ से आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान कार्यशाला में जर्मनी के IFOAM प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं, साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित तमाम आला अधिकारी भी कार्यशाला में पहुंचे। आपको बता दें कि जैविक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग होने के चलते जैविक खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसके मद्देनजर रखते हुए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की जल्दोजहद में लगी हुई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।